सोनीपत की शिखा ने दोस्त के दबाव में आकर एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीद ली। 3 साल तक 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम दिया। जब शिखा को पता चला कि ये पॉलिसी तो उनकी किसी काम की ही नहीं है, तो उन्होंने प्रीमियम देना बंद कर दिया। अब ये पॉलिसी लैप्स हो गई है। बीमा कंपनी वाले शिखा पर पॉलिसी रिन्यू कराने का दबाव बना रहे हैं, जबकि निवेश सलाहकार पॉलिसी को सरेंडर करने की सलाह दे रहे हैं। अगर शिखा इस पॉलिसी को सरेंडर करती है तो उन्हें 1 साल के प्रीमियम के बराबर भी पैसे वापस नहीं मिल रहे। शिखा अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, फिर वो क्यों और कैसे फंस गई, इसको लेकर अपने आप को खूब कोस रही है। दरअसल निवेश के उद्देश्य से खरीदी गई पॉलिसी यदि शुरुआती वर्षों में लैप्स हो जाती है तो सरेंडर करने की स्थिति में बीमा धारक के हाथ में प्रीमियम के रूप में जमा की गई राशि का कुछ हिस्सा ही हाथ लग पाता है। इस स्थिति में बीमा कंपनी आपकी कुल जमा रकम में से पूरी अवधि की लागत वसूल कर लेती है। इसमें एक बड़ा हिस्सा एजेंट के लिए भुगतान का होता है। पेड अप वैल्यू हाथ लगने के बाद आपके पास सिवाय पछताने के और कोई चारा नहीं बचता। हालांकि ये सिर्फ शिखा की समस्या नहीं है, देश में हर साल हजारों लोग मिस सेलिंग के शिकार होते हैं। बीमा नियामक इरडा की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में 25,431 लोगों ने उसे गलत तरीके से बीमा बेचने की शिकायत की। शिखा की तरह ऐसे लोगों की तादाद और भी ज्यादा है जिन्हें दबाव या फिर गलत तरीके से बीमा बेच दिया, लेकिन उन्होंने इसकी कहीं शिकायत नहीं की। बीमा पॉलिसी में प्रीमियम जमा करने के लिए ग्रेस पीरियड मिलता है। आमतौर पर ये अवधि प्रीमियम की तिमाही, छमाही या सालाना विकल्प पर निर्भर करती है। सालाना प्रीमियम के भुगतान के विकल्प पर ग्रेस पीरियड की अवधि 1 माह की होती है। अगर प्रीमियम पेमेंट का विकल्प मंथली है तो ये अवधि 15 दिन की हो सकती है। इस बारे में बीमा कंपनियों के इसके अलग अलग नियम हैं। अगर किसी पॉलिसी पर 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको 30 दिन तक बीमा कवर मिलेगा। इसके बाद प्रीमियम जमा ना होने पर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और बीमा कवर भी समाप्त हो जाएगा। 6 महीने बाद पॉलिसी कंप्लीट लैप्स की श्रेणी में आ जाती है। कई बार बीमा एजेंट संबंधों की दुहाई देकर पॉलिसी खरीदने के लिए दबाव बना देता है। तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद लोग पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता नियम और शर्तों पर ध्यान नहीं देते। बाद में पता चलता है कि ये प्लान तो कोई खास उपयोगी नहीं है। ऐसे में कई लोग पॉलिसी को बंद कर देते हैं। पॉलिसी लैप्स का एक और कारण है टैक्स बचत का लालच। कई बार लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसे ज्यादा दिन तक चला नहीं पाते। लेकिन सबसे बड़ा कारण है महंगाई। तमाम प्रयासों के बावजूद लोग प्रीमियम का जुगाड़ नहीं कर पाते, इससे पॉलिसी लैप्स हो जाती है, जिसे बाद में सरेंडर करा देते हैं। लैप्स बीमा पॉलिसी रिन्यू करानी चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल शर्मा कहते हैं कि अगर कोई पॉलिसी आपके लिए उपयोगी नहीं है तो उसे सरेंडर करने में ही फायदा है। अगर पॉलिसी उपयोगी है तो नई पॉलिसी खरीदने के बजाय पुरानी को ही रिन्यू कराने में फायदा रहेगा। बीमा कंपनियां आपकी उम्र के हिसाब से प्रीमियम का निर्धारण करती हैं। बीमा के मामले में ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि ये सिर्फ वित्तीय सुरक्षा के लिए है, निवेश के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। अगर किसी बीमा पॉलिसी को प्रीमियम भुगतान की तिथि से 6 माह के भीतर रिन्यू कराया जाता है तो कंपनी बकाया राशि और उस पर ब्याज लेकर पॉलिसी दोबारा से चालू कर देगी। प्रीमियम पर ब्याज की दर पॉलिसी शुरू होने की तिथि पर निर्भर करती है। प्रीमियम की तिथि से 6 माह से ज्यादा का समय होने पर बीमा कंपनी आपसे स्वास्थ्य संबंधी शपथ पत्र मांगेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की जाँच कराने के लिए भी कहा जा सकता है। रिपोर्ट सही आने पर ब्याज के साथ प्रीमियम राशि जमा करके पॉलिसी रिन्यू कराई जा सकती है। कई स्थितियों में आपकी प्रीमियम की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। कई कंपनियां लैप्स पॉलिसियों को चालू कराने के लिए समय समय पर विशेष अभियान भी चलाती हैं। इस दौरान पॉलिसी रिन्यू कराने पर शुल्क में छूट देती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC हर साल पॉलिसी रिवाइवल अभियान चलाती है। इस दौरान एक विशेष अंतराल की लैप्स पॉलिसियां बिना किसी पेनल्टी के चालू कर दी जाती हैं। अन्य कंपनियां भी इसी तरह की स्कीम लेकर आती हैं। अगर आपकी कोई पॉलिसी लैप्स हो गई है तो इस तरह के अवसरों का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए।